जेपाइट का जो केस चल रहा है दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, मैंने सर्च करके निकाले हैं, दो ऑर्डर्स हुए थे। एक फर्स्ट डेट उनका शायद 5 नवंबर था, और उसके बाद उनको अगला डेट मिला था 22 नवंबर, और अभी उसके बाद 3 नवंबर मिला है। तो मैं आपको बोलता हूँ जेपाइट ने भी डाला क्यों है दिल्ली हाईकोर्ट में। रीजन ऐसा है कि जेपाइट ये नोएडा लिस्टेड कंपनी है, तो दिल्ली हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन में आएगी, तो इसलिए वो दिल्ली हाईकोर्ट में ही गया है। सेकंड, उन्होंने अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए बोला है, इसके खिलाफ ईडी के खिलाफ डाला है केस। तो कल जाके अगर अकाउंट अनफ्रीज भी होते हैं तो ये बोलेंगे कि ईडी के खिलाफ केस किया था, ईडी ने कुछ नहीं बोला। केस जिस रिगार्डिंग किया है ईडी, उसकी ही ईडी है रिस्पोंडेंट है। तो जनरली कोर्ट में ऐसा होता है, अगर मैंने केस किया है किसी पे, तो जो अपोनेंट रहेगा तो वो बस उसी केस पे बात करेगा। अगर ईडी का कुछ से रहेगा तो ईडी को अलग से केस फाइल करना पड़ेगा, उसी केस में नहीं सब इन्वॉल्व हो सकता है। बस एक बता देता हूँ, तो ये ऑर्डर हुआ था तो इसमें इन्होंने यही सबमिट किया था कि द पिटिशनर इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो क्या काम करती है लिखा है, और सच ने लिखा है पर जाने लो। और बोल रहे कि प्रेस रिलीज किया था ईडी ने, और सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किए थे पेमा के रिगार्डिंग, उसमें व्यू नाउ का भी नाम है, जेपेट का भी नाम है। बोल रहा है कि फॉरेन अकाउंट से कुछ पैसा आया नहीं है, फिर भी फेमा एक्ट के अंदर ये किया है। दूसरा वो ये भी बोल रहा है कि ईडी बोला था कि एज अ रिजल्ट ऑफ द सर्च, यहाँ लिखा है देखो, रिजल्ट ऑफ द सर्च नथिंग इन्फॉर्मेशन वाज फाउंड एट द शेयर ऑफिस प्रीमाइस एंड अकॉर्डिंग नील आइटम्स वर सीज्ड। मतलब उनका बोलना है कि ईडी ने तो बोला था कुछ नहीं मिला, ये तो उनका मेन मुद्दा यही है कि अगर कुछ मिला नहीं कुछ नहीं तो फिर भी बिना इशू के क्यों आपने बैंक अकाउंट फ्रीज किया। द रिस्पोंडेंट डिड नॉट इशू एनी शो कॉज नोटिस टू द पिटिशनर बिफोर टेकिंग द ड्रास्टिक मेजर ऑफ द फ्रीजिंग देयर बैंक अकाउंट। अगर अभी यहाँ ईडी ये से करती है ये पोंजी स्कीम चला रहे इसलिए इनका अकाउंट फ्रीज हुआ, तो जेब्राइट फंस जाएगी। फिर ये था फिफ्थ का। ये बाद में जो 22 को डेट थी, तो इसमें क्या हुआ है कि नोटिस एक्सेप्ट किया है, अभी ये से कर यानी रिस्पांस करना पड़ेगा। जो भी नोटिस आया होगा कोर्ट से वो ईडी ने एक्सेप्ट किया और उसका रिस्पांस देना पड़ेगा। वो थर्ड को है, जोरी ने थर्ड को ही रिस्पॉन्स दे। ईडी ईडी और टाइम मांग सकती है, ईडी बोल सकती है फाइल, कोर्ट का काम आराम से ही होता है और स्टेजेस में होता है। ये हुआ रिस्पॉन्स का स्टेज, फिर अगला स्टेज रहेगा जहाँ आर्ग्यूमेंट आएगा। एक बात आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए आपका रेंट दिसंबर में 5 को नहीं आ रहा है, इतना है। इनका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो रहा है, स्टेजेस में काम होता है। व्यू नाउ का भी अकाउंट अनफ्रीज हुआ तो जेपेट को होगा, ऐसे लग तो नहीं रहा है, क्योंकि व्योना को अकाउंट इसलिए अनफ्रीज करना है क्योंकि उनको पैसे घुमाने तो है, पेमेंट तो यही करेगी ना, जेब बैठ करेगी। या फिर आपको किसी और अकाउंट से पैसा आए तो बात अलग है, पर शायद ही आएंगे। तो बस इतना ही अपडेट था, बाकी मैं जेब बैठ पे बहुत अच्छा लेके आ रहा हूँ सीरीज, मोस्टली संडे पे ले आऊंगा। टेक केयर, थैंक यू।